सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे वाणिज्य पत्र व्यवहार सेक्टर 35 के अंदर विभाग नंबर 1 वाणिज्य पत्र व्यवहार, जिसमें हमने देखा बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार प्रकरण नंबर 1, जिसमें प्रस्तावना बैंक के साथ पत्र व्यवहार, जिसमें बैंक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र और बैंक को लिखे जाने वाले शिकायत देखिए। उसके बाद बैंक में खाता खुलवाने के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है उसका हमने अध्ययन किया। अब उसके उदाहरण है कई सारे, जिसमें पहला उदाहरण है जैसे बैंक का फॉर्म हमने देखा, उसके बाद दूसरा है डीमैट खाता खुलवाने के लिए पत्र। अब डीमैट खाता जो व्यक्ति खुलवाना चाहता है, जिस बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट पहले से है, उसी बैंक में अगर आपको डीमैट खाता खुलवाना है, उसी बैंक से आपको वो खाता जोड़ना होगा। उस प्रकार से आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक के मैनेजर को आप पत्र लिख सकते हो। यहाँ पर पत्र लिखते हैं मनोज भाई बी द्रविड़, अपना नाम, पूरा पता, सत्र प्रभाग हाउस फुल बाजार लोनावाला, पिन नंबर है 3 8 9 2 0 3, और दिनांक 16 दिसंबर 2017। इसमें खास पत्र लिखने में ध्यान देने योग्य बातें है कि आप जो पत्र जिस पेज में लिख रहे हो, उसी पेज में आपके दाहिने हाथ राइट साइड में ऊपर के भाग में, मतलब तो मान लीजिए आपका पेज है, वह पेज के अंदर राइट साइड में आपकी राइट साइड में आपको सामने वाले व्यक्ति मतलब पत्र लिखने वाले का एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर और दिनांक के साथ। और ये जो पत्र लिख रहा है वो तो ये जो डिटेल है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लाइन होती है वो एक सीधी लाइन में होना जरूरी है। ऐसा ना हो पहले यहाँ से जो वसूल करो फिर दूसरी ओर आ गए किसी ओर आ गए सीधी नहीं बना, या यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ से पूरा एक समान लाइन में लिखा होना चाहिए। तो मनोज भाई का ऑलरेडी विजय बैंक के अंदर अकाउंट है, तो वो मनोज भाई मैनेजर श्री विजय बैंक फुलवाजा बोलने वाला को पत्र लिख रहा है, क्योंकि उसको जो डेबिट खाता खुलवाना है वह विजय बैंक में खुलवाना है, वहां उसका पहले से अकाउंट खुला हो। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आपको उसी बैंक में उसी अकाउंट के साथ ये डीमैट खाते को जोड़ा जाएगा। अगर आपका अकाउंट जिस बैंक में नहीं है उसी बैंक में खुलवाना है तो पहले आपको उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद उसी अकाउंट से आपका डीमैट खाता जोड़ा जाएगा। उसके बाद है सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय वो एक खास टॉपिक कहा जाता है, एक कहते हैं कि आत्मा है पत्र की आत्मा। विषय को देख के पता चल जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को क्या काम करवाना है। बैंकों में बहुत सारे पत्र आते हैं तो अलग अलग टेबल अलग अलग व्यक्ति को डिवाइड किया होता है, चेक के संबंधित पत्र, ऑनलाइन संबंधित पत्र, बैंक में खाता खुलवाने संबंधित पत्र। तो विषय ऐसा होना चाहिए जो पूरे पत्र का सार, पत्र में जो लिखा गया है वो बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। विषय है डीमैट खाता खुलवाने के संबंधों में, तो उसे तो उनकी कोशिश होनी चाहिए हमारे कि विषय एक ही लाइन में आना चाहिए और लंबा भी नहीं होना चाहिए, और जो बात पत्र के अंदर लिख रहा है उसी का अंदर सार होना चाहिए, कम शब्दों में बहुत कुछ कवर देने वाला हमारा विषय होना चाहिए। विषय लिखने के बाद श्रीमान मानवाचक शब्द, श्रीमान आदरणीय माननीय ऐसे शब्द हम लिख सकते हैं। ध्यान में रखने योग्य बात है आपका एड्रेस राइट साइड में, ठीक उसके नीचे जहां पर खुला होता है ठीक उसके नीचे लेफ्ट साइड
वार्तालाप। पहला मिलेगा प्रारंभिक भाग, दूसरा मिलेगा मध्य भाग और तीसरा मिलेगा अंतिम भाग। आरंभिक, मध्य और अंत, तीन भागों में आरंभिक भाग के अंदर आपको अपना परिचय देना है, जिस बैंक में आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर देना है, कितने सालों से आपका अकाउंट नंबर है वो बताना। दूसरे पैराग्राफ मध्य भाग के अंदर आपको जो काम करवाने के लिए पत्र में लिखा है उसकी माहिती देनी है, जैसे कि यहाँ पर मनोज भाई माहिती दे रहा है। पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ में आपको विनती करनी है कि मेरा काम हो सके उतना जल्द और त्वरित करने का कष्ट कर। देखते मैं गत 6 वर्षों से आपके बैंक में बचत खाता नंबर 009113569 का धारक हूँ, मतलब आपको अपना अकाउंट नंबर जो भी हो वह इसके अंदर बताना है। और उसके बाद कहते हैं कि कई सारी नई नई इसकी सुविधाएं मिलती है, ग्राहक रक्षा सेवाएं होती है, जिसमें लुणावाड़ा पंथक की जो बैंक है वह प्रतिष्ठा की वृद्धि प्राप्त। पहले पैराग्राफ में आपको अपना अकाउंट नंबर लिखकर बताना है, दूसरे पैराग्राफ में आपको बताना है कि तत्काल में बैंक द्वारा प्रारंभ की गई ऑनलाइन व बैंकिंग व डीमैट खाता खोलने संबंधित में आपकी बैंक में कार्य करवाना चाहता हूँ, और इससे के संबंधित मेरा मानो एक से ज्यादा अकाउंट है एक ही व्यक्ति के ही बैंक, इसलिए आपको दूसरे बार भी अकाउंट नंबर लेकर जरूरी है कि मेरा इस नंबर के अकाउंट नंबर से मेरा डीमैट खाता खोला जाए, ताकि उसी का जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वह मुझे मान्य होंगे। जो भी आपके बैंक में डीमैट खाता खोलने के लिए जो भी नियमावली होगी, जो भी शर्तें होगी, वह सब मुझे मान्य रहेगी। और जैसे यहाँ पर लिखा जाता है कि उसके सभी नियमों का मैं पालन करूंगा और मिनिमम 3 मासिक स्तर पर रखा जाने वाला 5000 का न्यूनतम बैलेंस भी सुरक्षित रखूंगा। जो भी नीति नियमों के साथ साथ आपके अंदर जो भी मेरे द्वारा की गई कोई भी गलती या गलत देने का आपको यह हमें स्वीकार करना नहीं। और अंतिम पैराग्राफ में आपको ये कहना है कि जितना हो सके उतना पासवर्ड और कस्टमर आईडी जल्दी मेरे तक पहुंचाए, ताकि मैं मेरा आगे का काम इसके माध्यम से कर सकूं। पहला पैराग्राफ आपका परिचय, दूसरा पैराग्राफ इंडिया पत्र लिखने का काम, तीसरा और अंतिम भाग है सामने वाले से जो आपको चाहिए उसके लिए विनती करनी है, और अंत में तीनों पैराग्राफ के बाद में आपको लिखना है कि आपका मैं आभारी हूँ, आपका सहकार जो मिला उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसके बाद आएगा खास नंबर एक, आपका एड्रेस, नंबर दो सामने वाले का पूरा एड्रेस, नंबर तीन सब्जेक्ट, नंबर चार प्रथम भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग, और उसके बाद आए आपका विश्वसनीय, आपका आज्ञाकारी। जो व्यक्ति मनोज भाई पत्र लिखता है तो वह लिखे कि आपका विश्वसनीय या आपका हस्ताक्षर करना है, तो ब्रेकेट में नाम लिखना है मनोज भाई भी दबे, ताकि पता चले कि इस व्यक्ति ने पत्र लिखा। यहाँ तक जो बात समझ में आई तो ध्यान पूर्वक रखनी है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में पत्र आपके पूछे जाएंगे, वह बोर्ड वहां पर बना होते हैं, 5 पत्र आते हैं बोर्ड के अंदर और एक पत्र का मार्क्स 5 मार्क्स होता है, तो देखा जाए तो 25 मार्क्स के पत्र आते हैं, तो उसमें से आप बहुत सारे प्राप्त कर सकते हो। इसका भी एक अंक मिलेगा, पत्र के साथ क्या क्या जोड़ा है जिसमें बात की थी, बैंक
का प्रथम पेज का पासपोर्ट का जेरोक्स, आधार कार्ड, लाइसेंस, पान कार्ड वगैरह वगैरह जो भी बैंक के द्वारा मांगा गया हो वह सब डॉक्यूमेंट जोड़ा जाता है, तो उसको कहा जाता है संलग्न पत्र, जोड़कर आगे की बैंक में जमा की कार्यवाही करने के बाद आपकी कार्यवाही बहुत जल्द हो सकती है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें पत्र पूरा करते हैं उदाहरण। अब आगे का पत्र देखेंगे जिसमें चेक की राशि के भुगतान को रोकने संबंधित पत्र। चेक की राशि पैसों आपने जो सामने वाले व्यक्ति को दिया है चेक के रूप में, मैंने जैसे आगे बात की थी आगे के वीडियो में कि आपका चेक भरा हुआ साइन किया हुआ खुद हो जाए, उसके लिए क्या करें, उसके लिए पत्र बैंक में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर मीर पत्र लिख रहा है, उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, अहमदाबाद 20 जुलाई को पत्र लिख, डेट जरूरी होता है ताकि पता चले कब किस व्यक्ति ने पत्र लिखा है। जैसे आज इस पत्र में देगा आपका पेज का राइट साइड में पूरा एड्रेस। अब पत्र किसको लिखा जा रहा है कि मेरी भाई का जो चेक गुम हो गया है, जिस बैंक का चेक गुम हो गया है उसी बैंक के मैनेजर को मेरी भाई पत्र लिखे, जैसे कि मैनेजर श्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू सिटी रोड चांदपेड़ा मनोज भाई के पास 2-3 बैंक अकाउंट है, लेकिन जिस बैंक का चेक गुम हो गया है उसी मैनेजर को वो पत्र लिखे। विषय के लिए समय आगे बात की, शोध में लिखना है चेक की राशि के भुगतान को रोकने संबंधित पत्र। चेक की राशि के भुगतान संबंधित जो मैंने पत्र लिखा है उससे संबंधित आगे की कार्यवाही करें। उसके बाद जैसे आप डालो श्रीमान माननीय आदरणीय वगैरह शब्द लिखकर आप पत्र लिख सकते हो, उसमें भी जिसे बात की 3 पैराग्राफ होने चाहिए। यदि पैराग्राफ में स्टेट बैंक ने मेरा 100 नंबर से यहाँ पर दिया हुआ 101234556 नंबर का अकाउंट है और इतने सालों से मतलब 12 सालों से इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं चेक की राशि भुगतान की हुई चेक में अंदर डिटेल फिलअप करी हुई साइन की हुई मेरा चेक लेकर के मैं निकला था और मैं गुम हो गया है, तुरंत मैं टेलीफोनिक बातचीत आपसे की थी। जैसे आपका चेक गुम हो जाता है एटीएम गुम होता है उसी समय आप बैंक के लैंडलाइन पर फोन कर सकते हो कि मेरा 100 नंबर का चेक गुम हो गया है, तुरंत उसको स्थगित कर दीजिएगा। उसके बाद क्या पत्र लिखना होगा, क्योंकि मान लीजिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बैंक से दूर हो बैंक के मेन ब्रांच से दूर हो, तुरंत संभव नहीं है कि आप पत्र दो, लेकिन उसको टेलीफोनिक बातचीत करके फिर पत्र लिखा जाता है। अब कहते हैं कि चेक में क्या क्या लिखा है, श्री युक्त श्रीकांत जोशी के नाम का 19 जुलाई 2017 का चेक था जिसमें मैंने 10,000 के अमाउंट का भरा हुआ था और जिसका नंबर 100 नंबर दिया हुआ है और ये बैंक के अंदर अगर कोई राशि निकालने के लिए आए तो भुगतान न करने की कृपा करे, मेरा चेक गुम हो गया है, इस व्यक्ति के नाम से इतनी राशि का मैंने चेक बना करके रखा था और गुम हो गया है, अगर कोई व्यक्ति इस चेक को लेकर आपकी बैंक ब्रांच में बैंक में आए तो उसको भुगतान न करने की कृपा करे। इतने आभार लिखना है आपका आभार और आभार आपका विश्वसनीय यहाँ पर सिग्नेचर मेहती और लेकिन उसका नाम लिखना है और उसके बाद बैंक में जाकर आपको एक प्रणाली पूरी करनी है, वो जाकर आपका खोया हुआ चेक अगर किसी और को भी मिल जाता है और वह व्यक्ति जब बैंक में पैसे निकालने के लिए आता है तो बैंक उसको पैसा देगी नहीं, वो चेक जब्त कर लेगी अपने पास रखेगी। तो इसी प्रकार से डॉक्टर मिहि ने जो पत्र लिखा है उस प्रकार हम भी हमारी बैंक में संबंधित बैंक के कर्मचारी को हम पत्र लिखकर सूचित कर सकते। तो खास आपको ध्यान में रखने की जो बात है पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है और उसकी डिटेल जो जो है अकाउंट नंबर
ब्रांच चेक नंबर उसमें भरा हुआ अमाउंट इस व्यक्ति के नाम से आपने चेक लिखा है वह पूरी डिटेल आपको याद हो तो बेहतर होगा, क्योंकि हम जब चेक भरते हैं चेक के फर्स्ट शुरुआत के पेज में डिटेल भी लिखनी होती है कि आपने कितने का चेक इस व्यक्ति को दिया है, कौन सी तारीख को दिया है, कौन सा चेक नंबर दिया है और कितना अमाउंट का दिया है, उसके आधार पे हमें डिटेल मिल सकती है। डिटेल के आधार पे हम संबंधित लेख को लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, दो तीन उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। अब आगे का जो उदाहरण है, बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने पर शिकायत पत्र हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके।